हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होगे और बढ़िया रहन दिया होगा। तो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। सॉरी ज़्यादा जल्दी हो गया हो तो क्वेश्चन भाई पहले रीड कर लेते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। वो 300 किलोमीटर टोटल ट्रैवल करती है, कुछ करती है ट्रेन से और कुछ करती है बस से। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। यानी कि उनने 240 किलोमीटर तो देखो उनने लिखा नहीं साफ साफ, 240 किलोमीटर तो करा बस से और 60 किलोमीटर करा उनने ट्रेन से, ठीक है ना। बस का टाइम यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन हम निकाल देंगे 300 में से 60 गया, 240 किलोमीटर उनने बस से ट्रैवल करा। आगे लिखा है इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, यानी कि 200 किलोमीटर बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट लोंगर, यानी कि उनने पहले लिए थे 4 घंटे, अब लेगी 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ईजी है, टेंशन मत लो, करवा देंगे। और लेट द स्पीड ऑफ बस बी वाई, किलोमीटर पर आ लगा लो, ये चीज़ ना भूलो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो फर्स्ट कंडीशन दिया हमें, कि देखो 60 किलोमीटर, अब आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वही लगना है यहाँ पे भी। मैं दिखा देता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है, स्पीड हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो निकल जाएगा बहुत आसानी से, तो ये हो जाएगा हमारा 60। सॉरी असल में मेरे पास पेन भी नहीं है और ये चल भी नहीं रहा ठीक से, देखते हैं आज वीडियो बनती है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा 60 बाई एक्स हो जाएगा, ये वैसे अच्छा चल रहा है। प्लस बाकी जो बस का बचा वो हो गया 240, हमने निकाल लिया था बाई एक्स, उसकी स्पीड वाई है ना बस की, इक्वल्स टू 4 घंटे लिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी, 100 किलोमीटर तो चली बस उससे ट्रेन से, बाकी के चली बस से यानी कि 200, और उसने लिए हमारे 4 घंटे 10 मिनट, तो उसे हम लिख सकते हैं 25/6। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको कर लेंगे हम बहुत आसानी से। ये 600 प्लस एक्स प्लस का 2400 हो जाएगा हमारा वाई इक्वल्स टू 40। मैंने इसमें इंटू कर दी ना, या बताऊँ आपको ये भी ठीक है भाई साहब, इसमें 10 की इंटू कर दी गई है और इसके अंदर 6 की इंटू कर दी है। इसमें 10 की करूँगा तो 600 हो जाएगा, इसमें 6 की करूँगा तो ये भी 600 हो जाएगा, और दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया, अब 600 माइनस का एक्स प्लस माइनस 1200 वाई इक्वल्स टू माइनस का 25, ठीक है ना। ये कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 1200 वाई इक्वल्स टू 15, और y की वैल्यू आ जाएगी 1200 बाय 15 इक्वल्स टू 240/3, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। या ये हमारी y की वैल्यू, और y क्या है बस, तो बस की निकाल ली है हमने स्पीड, अब निकाल लेते हैं ट्रेन की। तो पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 60/x प्लस का हमारा 3 इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आर। ओहो, एक्स इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आर, सीधा सिंपली वैल्यू पुट कर ली और हमने निकाल लिया। देखो भाई वीडियो थी थोड़ी बहुत आज दिक्कत हो गई होगी इस एरिया में, बट मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आर, लेट द स्पीड ऑफ बस बी वाई किलोमीटर पर आर। अपना देखो हमने ले लिया 60/x, जैसे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था उस फॉर्मूले से, और टाइम बराबर में लिख लिया दोनों का ऐड करके। बस छोटा सा ट्विस्ट ये था कि हमें ट्रेन का टाइम दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था, और बस का निकालना था। तो जैसे 60 दे रखा है तो 240 ये हो गया, 100 दे रखा है तो 200 ये हो गया। बहुत आसानी से हमने दो इक्वेशन बनाए, एलिमिनेशन करा, और हमारी जो बस की वैल्यू आई है वो आई है 80 किलोमीटर पर आर, और जो ट्रेन की वैल्यू आई है वो आई है 30 किलोमीटर पर आर। ये था हमारा क्वेश्चन, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भाई आपने सब्सक्रिप्शन ले ही लिया होगा, और कोई भी क्वेरी आए तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।